नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सरकार और किसान नेताओं के पांचवें दौर की वार्ता बेनतीजा। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी बैठक। किसान सरकार से हां या ना में चाह रहे जवाब। सरकार मनाती रही, किसान रूठे रहे। किसानों ने पोस्टर दिखाकर मौन साधा। सरकार ने कहा हम साल भर भी आंदोलन चला लेंगे। नए संसद भवन का निर्माण कार्य जारी। 10 दिसंबर को पीएम मोदी द्वारा होगा भूमि पूजन। 971 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा नया संसद भवन। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम में सख्त प्रावधान करने जा रही शिवराज सरकार। ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री शिवराज ने दी सहमति। सीएम की कोरोना पर सलाह। भोपाल इंदौर कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करे। सहमति बने तो बाजार फिर से 10 बजे तक खोल दे। कोरोना वैक्सीन के लिए मध्य प्रदेश सरकार तैयार। 5 लाख हेल्थ वर्कर को सबसे पहले लगेगी वैक्सीन, फिर 50 से अधिक उम्र वालों का नंबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम में सख्त प्रावधान करने जा रही है। सरकार ने इसमें एक और प्रावधान जोड़ दिया है, जिसके तहत 2 या इससे अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। देखिए, उसके पीछे सीधा भाव ये है कि कुत्सित इरादों से, गलत तरीकों से किसी बेटी की, जिसकी उम्र भी बहुत कम होती है, उसको बहकाना, फुसलाना, दबाना और बाद में उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। ये हमारा बेटी बचाओ अभियान है। आज उस पर विचार करके उसको अंतिम रूप दें। कटनी के बमोरी ग्राम बरवारा विकासखंड मुख्यालय से कोसों दूर आखिरी में स्थित ऐसी ग्राम पंचायत है, जहां एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4-4 AC सीमेंट कंक्रीट सड़क देखने को मिली, जिनको बने साल भर भी नहीं हुआ और सड़क से सब कुछ गायब है। हालत इतनी बदतर है कि लोगों का चलना मुश्किल है। भ्रष्टाचार के भवन में फंसी बमौरी ग्राम पंचायत में निर्मित सामुदायिक भवन भी सलामत नहीं है। कुछ वर्षों पहले बने सामुदायिक भवन की हालत जर्जर है और साथ ही उसका निजी उपयोग भी किसी से छिपा नहीं है। देखिए, बमौरी में जो है इसके पूर्व में भी शिकायतें आई थी, जाँच हुई थी, तो लगभग जो सीसी रोड की गुणवत्ता खराब होने की रिपोर्ट थी, उसमें 5.5 लाख की रिकवरी है और जो भी गुणवत्ता विहीन कार्य किए गए अभी उनके भुगतान पे पहले भी रोक लगाई गई थी। अभी ये देख लेते हैं अब कौन सी ऐसी रोडें हैं, क्या वो रोडें जांच में शामिल थी, अगर नहीं है तो फिर से जाँच कराएंगे और निश्चित तौर पर अगर गुणवत्ता खराब होगी तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कानपुर से एक युवा शोधकर्ता अपनी बनाई वैदिक घड़ी के प्रचार प्रसार के लिए 3000 की साइकिल यात्रा पर निकला है। ऋग्वेद में भी मुहूर्त शब्द का उल्लेख है और इसी आधार पर इस युवा आरोह श्रीवास्तव ने अंग्रेजी घड़ी के स्थान पर वैदिक घड़ी का आविष्कार किया है। यात्रा के दौरान आरोह आज शिवपुरी पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। अपनी इस घड़ी को प्रचलन में लाने के प्रयास में लगे आरोह से बीजेपी और RSS के कई बड़े नेताओं की चर्चा भी हो चुकी है। यात्रा के दौरान के न्यूज की टीम से खास बातचीत। आरोह 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करेंगे। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शालू गोस्वामी। आज हमारे साथ खास बातचीत में बातचीत करेंगे आरओ श्रीवास्तव। और आपको बता दें कि आरओ अभी 900 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं, वो भी साइकिल से। और इनका क्या उद्देश्य है साइकिल से यात्रा करने का और क्या कुछ जनता को बताने वाले हैं, तो हम बात करेंगे आरओ से और जानेंगे क्या कुछ है। नमस्कार आरओ, स्वागत है आपका के न्यूज में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि साइकिल से जो आप यात्रा कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? जी, एक्चुअली मैंने एक रिसर्च करी है जिसके अकॉर्डिंग जो हम अभी करंटली 24 आवर टाइम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ल्ड वाइड इसको प्रचलित किया गया, जो कि इजिप्शियन सभ्यता से उन्होंने देख के निकाला। तो उनके पास 70% वर्ल्ड की शिपिंग थी उस टाइम पे, 15-16 सेंचुरी पे, और बिजनेसेस थे, इसलिए उनको
चाहिए थे कि देश उनके टाइम फॉर्मेट फॉलो करे, कुछ ऐसा करे कि वो चीज़ें समझ पाएँ, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो पाएँ। तो उन्होंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कराई वर्ल्ड वाइड, और क्योंकि उस टाइम पे किसी भी ज़्यादातर देशों को समय की नॉलेज नहीं थी और किसी भी सभ्यता में इसकी बात नहीं होती थी, तो ये चीज़ सबने बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट कर ली, और ऐसे ही इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर ली। बट जो हमारा देश था वो आज से 5000 ईयर पहले भी ऋग्वेद में ये चीज़ मैंशनड है कि हम टाइम फॉर्मेट को जानते थे, जिसको हम मुहूर्त कहते थे, क्योंकि टाइम वर्ड बाद में आया बट मुहूर्त वर्ड पहले का था, वो मीन टाइम ही करता था। तो जो ऋग्वेद में दिया गया टाइम का कॉन्सेप्ट है, वो अगर बात करें आज की दुनिया में तो वो डिजिटल टाइम फॉर्मेट है, जबकि हम जो आज ये 24 आवर टाइम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं वो एक मैकेनिकल टाइम फॉर्मेट। कि वेदों में आपका समय क्या है, आपका मुहूर्त क्या है, और जो लोग इस पर बिलीव करते हैं वो जरूर इसको खरीदेंगे। तो अब देखना ये है कि आरओ की ये घड़ी कहाँ तक काम में आने वाली है। खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। सतना जिले में साल के आखिरी महीने में ही पानी की किल्लत दिखाई देने लगी है। सतना के सोहावल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचनपुर के सोनौर आदिवासी बस्ती, जिसमें लगभग 40 घरों के बीच में दो हैंडपंप लगे हैं, और वहीं ग्रामीणों की माने तो हैंडपंप महीने से बिगड़े होने के कारण लोगों को नदी नदियों से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव को कई बार जानकारी देने के बाद भी नहीं ध्यान देने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ये नल जो है कब से बिगड़ा है? 1 महीना से। आप लोग पानी कहाँ से लाते हो? कल से मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, परेशान रही थे। और झाली से झाली मोड़ से लाए, नदी के पास, नदी के कुआ पार से। महीना भर पानी कहाँ से लाए? कहीं वो झाली मोड़ से ले आए है ना। कितना दूर है? वो होगा 1-2 फल्लांग होगा, 1 फल्लांग होगा। आपने जानकारी किसको दी? सरपंच जी। तो 1 महीने से भी नहीं आए। खबर सिलवानी से है, जहां पर भारतीय किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में दिल्ली में हो रहे किसान अध्यादेश को लेकर सिलवानी में भारतीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा प्रधानमंत्री मोदी, अंबानी, अडानी का पुतला दहन किया गया। बता दें कि इस दौरान किसान संघ के जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह रघुवंशी ने कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को प्रदेश सहित हर गांव में प्रधानमंत्री का पुतला दहन होगा। जैसा कि आज देशव्यापी आंदोलन चल रहा राष्ट्रीय अभियान के तहत, हम लोग आज अम्बानी, अडानी और माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया है, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने अग्नि संस्कार किया। खबर भोपाल के गांधीनगर से, जहां पर पिछले कई वर्षों से शासकीय जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। बता दें कि 10 करोड़ की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर अवैध गार्डन का निर्माण कर रखा है, जिसकी कई बार जन शिकायत पर अभी तक कब्जा नहीं हटाया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सचिव ओम यादव का कहना है कि उन्हें इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका है। लेकर हम 2 दिन बाद लोकायुक्त से शिकायत करेंगे, और लोकायुक्त में भी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर धरना आंदोलन चालू करेंगे। हमने कई बार शिकायतें की, लेकिन ऐसी कौन सी सरकार मेहरबान है जो इन पर कार्रवाई नहीं करती? बाकी सब गरीब लोगों के झुग्गियाँ उड़ा दी जाती हैं, और एक व्यक्ति ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा, आखिरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसमें संबंधित पटवारी भी लिप्त है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो हम 1 हफ्ते के अंदर आंदोलन धरना चालू करेंगे। कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार और प्रशासन मास्क को ही वैक्सीन बता रहे हैं। शुक्रवार को भी भोपाल में 321 नए संक्रमित सामने आए, इससे अब बिना मास्क पहने लोगों का चालान किया जा रहा है, जिसमें अब तक 1200 से अधिक लोगों पर जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा मास्क न पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की कार्रवाई में 30 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है। माननीय कमलनाथ जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, नेता कांग्रेस के, एक चंबल एक्सप्रेस भी उस समय नाम दिया था, 8000 करोड़ की योजना है। उसमें मध्य प्रदेश की सरकार को भूमि अधिग्रहण करना था, उसमें किसानों को मुआवजा देना था, पैसे
विकास के कामों में न खर्च करते हुए, क्योंकि उनमें यहाँ से व्यवस्थाएं नहीं हो रही थी उनकी, वो पूरा प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलते चंबल प्रोग्रेस वे किया, उसमें इंडस्ट्री आएंगे, उसमें बड़े बड़े हब आएंगे, उसमें मॉल्स करेंगे, उसमें कई प्रकार के स्टोर करने के लिए कई प्रकार के भवन बनाए जाएंगे। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर कहा कि आत्मनिर्भर एमपी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया है और सभी को ड्राफ्ट के अनुसार अपने विभाग के कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर हमारी सरकार ने तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। चंबल एक्सप्रेसवे के बाद अब प्रदेश के नर्मदा एक्सप्रेसवे सरकार बनाने जा रही है, जिस कार्य योजना बनाना हमने शुरू कर दिया है। एजुकेशन पे इस मामले में फिर वही जो कमलनाथ जी ने, अगर ध्यान हो तो भोपाल में ये इसमें एक पूरा का पूरा एजुकेशन पे, स्कूल एजुकेशन पे पूरी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई थी और मिंटो हॉल के अंदर नेशनल लेवल पे लोगों को आमंत्रित किया था। और शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े इस पे 2 दिन की गोष्ठी बाकायदा हुई थी। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पुरुष जार को देने को लेकर आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी सरकार में अपने ही लोगों को निकाल कर अवार्ड देते रहे, अगर अवार्ड देने हैं तो उन 5-6 दरोगों को दिया जाए जो सफाई में रहे। छतरपुर में नगर पार्षद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन नायब तहसीलदार सुनील वर्मा के नेतृत्व में उन्हें तुड़वा दिया गया, जहां मोनू डेकवार उनकी पत्नी ने तहसीलदार पर घूसखोरी के आरोप लगाते हुए कहा कि हमसे 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी और हमने टाइम पर नहीं दिया तो हमारे आवास तुड़वा दिए गए। वहीं दूसरी ओर नायब तहसीलदार सुनील वर्मा का कहना है कि कलेक्टर के आदेशों से अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस अधिकारी सब लोग आए थे यहाँ गिराने के लिए। क्यों गिरा दिया? जाने क्यों गिरा दिया, हम लोग बताओ आवास योजना बन रही थी, आवास योजना के अंतर्गत कुटी बना रहे थे हम लोग। जी, कितने पैसे आ चुके थे? हम लोगों के यहाँ 2 लाख रुपए आ गए। कुल कितनी कुटी गिराई है? 2 कुटी गिराई है यहाँ से। तो आप लोगों की क्या तहसीलदार से बातचीत हुई पहले? पहले हुई थी तो बोल रहे थे मुझे खर्चा पानी की जरूरत है, तो 50,000 रुपए मंगाए थे, 50,000 रुपए दो, तो हम लोग इंतजाम ने किया, एक दो दिन में इंतजाम कर दे, फिर बुलाओ तो कहने लगे पैसा दो, तो हम उन्होंने कही के इंतजाम करें दे रहे भाई साहब आज। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला पहुंचे। उन्होंने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक बड़ा ही बेतुका बयान दिया। सिंह ने कहा कि भारत के लोगों के पास पैसा बहुत है, पेट्रोलियम का दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ ही भारत के लोग बहुत मजे कर रहे हैं, देश के लोगों के पास पैसा होने के कारण गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया चलेगी वैसे ही चलना पड़ेगा हैं? आज कितने गाड़ी आए हैं कोरोना में आपको पता है, 4-व्हीलर सबसे ज्यादा गाड़ी बढ़ गए, अब बस में कोई नहीं चलता, अब स्वयं की गाड़ी में चलता है, तो ये भी विलासिता की चीजें हैं, लोगों के पास पैसा है, लोग मजे कर रहे हैं और क्या है।
तो पेट्रोल डीजल खरीदने में क्या दिक्कत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसलिए आज जो नंबर बढ़े हैं गाड़ियों के, ये इसी का परिणाम है। आज लोग स्वयं अपने संसाधन पैसे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी रायसेन से होकर विदिशा के रास्ते छतरपुर जाते समय कुछ देर के लिए विदिशा में पत्रकारों से बात करने के लिए रुके। दोनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई बार बयानबाजी की है, लेकिन अपनी ही बात पर वो स्थायी नहीं रह पा रहे। किसान लगातार परेशान है। कहा था वो अब क्यों नहीं है? 2014 में कहा था कि जो किसान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मापदंड है, वो कितना बीज लगता है, कितनी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान कई बार कह चुके हैं भगवान और किसान। शिवराज सिंह चौहान ने अभी चौथी बार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के का प्रमाण जब लिया उन्होंने जनता से, तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया किलो सब्जियां फिक्री थी निमाड़ में, तो कहा कि सब्जियों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होना चाहिए, ये भी कहा। फिर साथ ही साथ पूरे देश के किसानों की आम भावना है कि देश में किसान दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है, तो एक गारंटी इस बात की कि वो जो अन्न पैदा करता है उसको मिलना चाहिए। जनार्दन युवाओं ने प्लेग्राउंड की साफ सफाई नियमित रूप से किए जाने की मांग बीते दिनों मुख्य नगर पालिका अधिकारी से की थी, लेकिन सफाई कर्मियों द्वारा वार्ड क्रमांक 12 के खेल मैदान की साफ सफाई की जा रही थी। अचानक नगर पालिका अध्यक्ष पति रमेश साहू, वार्ड पार्षद बरखा रानी लदेरे ने सफाई कार्य रोक दिया। रास्ता निकालते हैं किस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो भविष्य में, किसी प्रकार के जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट ना आए, ये प्रयास मेरे द्वारा किया। कई प्राप्त हुई है, उसके बाद मेरे द्वारा संपर्क किया गया, चूँकि उनके हम कार्यक्रम था अध्यक्ष के हैं, इसलिए अध्यक्ष से कोई बात नहीं हो पाई। आज अध्यक्ष आती हैं तो उनसे बैठ के चर्चा होगी। हमारी रक्षा करने वाले इंजाबाद सिपाहियों के लिए शासकीय क्वार्टर उपलब्ध नहीं है। हम बात करें खंडवा जिले के पंधाना पुलिस थाने की, जहाँ पर करीब 32 पुलिसकर्मी पदस्थ हैं जिनके लिए शासकीय क्वार्टर उपलब्ध नहीं है। पुराने जीर्णशीर्ण अवस्था में केवल 2 ही ऐसे आवास है जहां मजबूरी में पुलिसकर्मी निवास कर रहे हैं। शेष स्टॉप नगर में अलग अलग स्थानों पर किराए के मकान में रहते हैं। पंधाना में कोरोना काल में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो निरंतर 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर और निरंतर सेवाएं दी कोरोना काल में, आज वह लोग बड़ी असुरक्षा में उनका परिवार निवास कर रहा है। उनके निवास जो पूर्ण जीर्णशीर्ण भवन है, किसी भी दिन की कोई बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। मेरा गृह मंत्रालय से निवेदन है, एसपी महोदय से भी निवेदन है कि उनकी ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको नवनिर्मित भवन निर्माण कर दिए जा सके। ये मामला संज्ञान में आया है, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा एवं इसके लिए जो जो प्रपोजल है वो भेजा जाएगा, जिससे उचित रूप से इसमें कार्य उपाय हो सके और जो अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए आवास है वो आवंटित हो सके। ग्यारसपुर के ऐतिहासिक मानसरोवर तालाब की सफाई का अभियान प्रारंभ हो गया है। ग्यारसपुर प्रशासन ने ये गाइडलाइन तैयार कर जन सहयोग द्वारा त्यागी जी महाराज के हाथों से इस कार्य का शुभारंभ किया। मौके पर एसडीएम, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन एवं पत्रकार बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफाई अभियान प्रारंभ हो गया। बता दें के न्यूज ने एक सप्ताह पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जी, ये आज शुरुआत हुई है, ये ऐतिहासिक महत्व की जगह है
और सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और अपन ने मीडिया ने उठाया था, ये बात उठाई थी, फिर हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया, इसको टीएल में रखा गया है। टीएल में कलेक्टर महोदय वही विषय रखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो टीएल में रखकर कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया कि आप जो है सबसे मिलें, जन सहयोग से ये कार्य पूर्ण करें। इस संबंध में थाने में भी बैठक कोविड के संबंध में की गई थी। और अब आपको शिवपुरी से बड़ी खबर बता देते हैं। जमीन विवाद में पूर्व डीसीपी को गोली मार दी गई, बड़ी खबर। शिवपुरी से इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर के बाहर अलाव से ताप रहे थे पूर्व डीसीपी। कोतवाली थाना के महाराणा प्रताप नगर की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर शिवपुरी से, जमीन विवाद में पूर्व डीसीपी को गोली मारी गई। बता दें कि इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर के बाहर अलाव से ताप रहे थे पूर्व डीसीपी। कोतवाली थाना के महाराणा प्रताप नगर की घटना बताई जा रही। शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां पर जमीन विवाद में पूर्व डीसीपी को गोली मारी गई, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर के बाहर अलाव से ताप रहे थे पूर्व डीसीपी। कोतवाली थाना के महाराणा प्रताप नगर की घटना बताई जा रही। बड़ी खबर आपको शिवपुरी से बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद में पूर्व डीसीपी को गोली मार दी गई, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि घर के बाहर अलाव से ताप रहे थे पूर्व डीसीपी। कोतवाली थाना के महाराणा प्रताप नगर की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां पर मामले विवाद में पूर्व डीसीपी को गोली मार दी गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि घर के बाहर अलाव ताप रहे थे पूर्व डीसीपी। शिवपुरी से बड़ी खबर, पूर्व डीसीपी को गोली मार दी गई, घर के बाहर अलाव से ताप रहे थे पूर्व डीसीपी। जमीन विवाद को लेकर गोली मारी गई, कोतवाली थाना के महाराणा प्रताप नगर की घटना। बड़ी खबर शिवपुरी से, जमीन विवाद में पूर्व डीसीपी को गोली मारी गई, इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। घर के बाहर अलाव से ताप रहे थे पूर्व डीसीपी। कोतवाली थाने के महाराणा प्रताप नगर की घटना। हमारा मध्य प्रदेश वोटो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।